नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम महोबा को सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में किसानों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों का हवाला दिया गया है, जिनमें 6 मांगे राष्ट्रीय और 4 मांग जनपद स्तर से जुड़ी हुई शामिल है। इस दौरान भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की है। यूनियन के अध्यक्ष जनक सिंह परिहार का आरोप है कि सीएम को संबोधित किए गए इस ज्ञापन को डीएम महोबा के माध्यम से सौंपा जाना था, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी समेत तमाम अफसरों को पहले ही दी जा चुकी थी। बावजूद उसके जिलाधिकारी महोबा द्वारा उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर वह अपने कार्यालय से चले गए, जिसकी वजह से अब ये ज्ञापन एसडीएम महोबा पीयूष जायसवाल को दिया जा रहा है। मुख्यालय के डीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम महोबा को सौंपा। सौंपे गए इस ज्ञापन में 10 सूत्रीय मांगों का हवाला दिया गया है, जिसमें 6 मांगे राष्ट्रीय स्तर से और 4 मांगे जनपद स्तर पर शामिल की गई है। इस दौरान हल्दर किसान यूनियन के तमाम सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। यूनियन के अध्यक्ष ने जनपद में काबिज अफसरों पर सीधा निशाना साधते हुए अन्नदाताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में अफसर तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों को लगातार परेशान करने में आमादा है। इसी के साथ ही उन्होंने डीएम महोबा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए सीएम को संबोधित ज्ञापन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। जनक सिंह की माने तो जनपद के तमाम बड़े अफसरों को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद संबंध में पहले से ही जानकारी थी, बावजूद उसके डीएम महोबा का कार्यालय से उठकर चला जाना सीधे तौर पर किसान से जुड़ी समस्याओं की उपेक्षा के समान है। जिस ज्ञापन को डीएम महोबा के माध्यम से योगी सरकार तक पहुंचाना चाहिए था, अब वह ज्ञापन उन्हें मजबूरीवश एसडीएम को सौंपना पड़ रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, जो आज का ज्ञापन कार्यक्रम है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय हल्दर किसान यूनियन के दिशा निर्देशानुसार है। जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे सम्मानित किसान बंधुओं के खिलाफ तानाशाही हिटलरशाही रवैया अपना रही है, उसके खिलाफ है। जो जैसे कि लखनऊ से कुछ योजनाएं संचालित होती हैं, वह महोबा तक आते आते दम तोड़ जाती हैं, या तो वह अधिकारियों के ऑफिस के टेबल पर रखी रह जाती हैं और या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जिस पर हमने कई बार उस पर विचार किया, कई मर्तबा अधिकारियों से संबंधित प्यार मोहब्बत से चर्चा की कि साहब हमारे किसान हैं, किसान बंधुओं को प्रताड़ित ना करिए और उन्हें जो योजना है उनका लाभ दीजिए। तो उसके बाद जब अधिकारियों का रवैया ज्यों का त्यों है, जो भ्रष्ट नीति अपनाए रखे हैं ये लोग, आज भी सुधरने के चांस नहीं है। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 7 से 8 दिन पहले से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ज्ञापन की रूपरेखा तैयारी सूचना दे रहा हूं, लेकिन जो आज रवैया प्रशासन का दिखाई दिया वह बहुत ही निंदनीय है और शोचनीय है कि मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिए हूं मैं। महोबा जनपद के अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री के नाम का कोई महत्व नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। दुख की बात और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यहाँ पर डीएम साहब रुके जाने के लिए, जब पूर्व से कार्यक्रम है हमारा, तो हमारे पास सूचना आनी चाहिए थी। किसान यूनियन के पदाधिकारी ज्ञापन देने आए, भैया कब देंगे। पूर्व में ऐसा ही होता था, हम लोग ज्ञापन देने आते थे, संबंधित अधिकारी हम लोगों से पूछा करते थे माध्यम से, LIU के माध्यम से, भैया कितना टाइम है। यहाँ मैं LIU वालों को बार बार फोन लगा रहा हूँ कि भैया अब बताइए ज्ञापन कब देंगे, हम बताइए किसे देंगे। मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन ये मांग कर रहा हूँ और मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भी मेरी बात अगर पहुँच सके तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा कि जिले के संबंधित अधिकारी महोदय जिलाधिकारी परम आदरणीय, मैं सम्माननीय भी कहता हूँ, लेकिन इतना याद रखें कि अगर किसान प्रताड़ित हुआ तो मैं ऑफिस में बैठने दूंगा, चाहे मुझे जो मुकदमे झेलने पड़े, चाहे जो कार्रवाई झेलने पड़े। मुझे जनक सिंह परिहार कहते हैं, मैं वो तांडव करूंगा महोबा जनपद में कि प्रशासन जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान, जो किसान की बात करेगा वही देश का राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश का राज करेगा, तो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय किसान, बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय हल्दर किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारा
भ्रष्टाचारियों सावधान, सावधान, सावधान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। मैदान में महिलाओं के सम्मान में, किसान यूनियन मैदान में महिलाओं के सम्मान में, भारत माता की जय। भारत माता की जय। किसान यूनियन की मांगों को पूरा करो, पूरा बोलो बोलो। भारत माता की जय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।